हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, सुबह सुबह उठते ही इतना अच्छा मैंने मेकअप करा है और आप लोग अगर दर्शन करोगे तो सच्ची में हिल जाओगे। हिल ऐसे 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 हिल जाओगे, ऐसे एकदम हरकंप मच जाएगा आपके दिल में, दिमाग में। आप जब उठोगे तो याद करोगे, आप जब सोओगे तो याद करोगे, आप जब खाओगे तो याद करोगे। इतनी अच्छी चीज आपको दिखाने वाली हूँ मैं, तो बस दिल थाम के बैठो। अब आपके सामने स्लो मोशन में हमारी लड़की दुल्हन जो है आपके आगे घूंघट उठाने वाली है। घूंघट उठाया जाए। खतरनाक, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर। गाइस, आप लोगों को समझ आया ये कौन है? तो हम ये दुल्हन को लेकर जा रहे हैं अब अपनी सास को दिखाने के लिए। ठीक है, इसका रिएक्शन अभी हमने इतना मस्त वाला अच्छी लग रही है ना। चलो अब हम इसको इसके पति से मिलवाते। ढक 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 ढक, दिल थाम के बैठो, बहु प्रस्तुत किया जा रहा है आपके आगे। अरसी बोली मेरे को मेकअप करके दे, ठीक है? तो मैंने कैसा लगा मेरा मेकअप, कैसा लगा? अच्छा लगा। मेरे को पार्लर खोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगा? देख तो कितनी गंदी। सुनी लग रही मंजुलिका, ये मंजुलिका। तो अब बारी है सबसे पहले डांस की। अब आरसी दिखाएगी अपनी मंजुलिका वाली डांस। अभी हमारे घर में जो इतनी सारी मस्ती चल रही है उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि बेबी अब आने वाला है। आज फाइनली मेरा 9th month कंप्लीट हो गया। हमने बहुत ज्यादा सोचा था, कि सिवाय 9th month कंप्लीटेड होने के बाद हुआ है तो ये भी जो है ना 9th month कंप्लीट होते ही हो जाएगा, बट नहीं, सेकेंड बेबी में बहुत ज्यादा सस्पेंस हो गया, बहुत ज्यादा। वो सब ठीक है सर, तो मैं जीत गया। हाँ। मैंने 10 तारीख बोला था इसके, 10 तक तो नहीं होगा, और ये बोली 10 से पहले हो जाएगा। तो आज 10 तारीख स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, तो अगर आज भी हो गया ना तो भी मैं सर्त आ जाऊंगा बस। हाँ, तो आज अभी टाइम, अभी देखो अभी तो सुबह स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो क्या पता मैं रात के 12 बजे तक बोल दूँ। 12 बजे से पहले बोलना नहीं होता है। हाँ। बेबी आ गया अपने घर में 12 बजे से पहले, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो कैसे आ जाएगा, तुरंत थोड़ी आ जाता है। तुरंत नहीं भाई, ऐसे बोल ले थोड़ी। आया तो अभी 12 के बाद आया, तो मतलब 11 तारीख हो गई ना, 11 तारीख हो गई मतलब मैं जीत गया, क्योंकि 11 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे ना उसका बर्थडे। तो फिर लॉजिक देखते हैं गाइस आज होता है कि नहीं, बट सुबह से बोलते रहे कमर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, देखते हैं। अभी कुछ पता नहीं है, वो तो भगवान को पता भाई, आज होगा कल होगा परसों होगा जब भी होगा देखते हैं। दीदी दिखा दिखा दिखा, पूरा क्लियर दिखा इस बार तो। यार इसको आने की जल्दी नहीं है क्या? हमें लाने की जल्दी है। मैं जब रेडी हूँ कि ये आए, मैं दर्द लेने के लिए तैयार हूँ, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है इसको आने में? आ जाओ सुधा। पापा। आज सुबह से ना, मतलब मेरे को ना थोड़े थोड़े से सिम्टम्स लग रहे कि मेरा डिलीवरी डेट जो है ना, मतलब जो 16 तारीख है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस 1 से 2 दिन और, क्योंकि मेरे पास जो सिम्टम्स है ना, वो जो मेरे को दिख रहा है, मेरे को लग रहा है कि शायद 1 से 2 दिन के अंदर मैं बोल दूं कि हाँ
मेरे को अब हॉस्पिटल जाना है बिकॉज बैक पेन हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में इतना ज्यादा सूजन है, इतना ज्यादा सूजन ना पूछो मत। मेरे पैर अभी ना इतने ज्यादा फुले पड़े ना, ये देखो ऐसे ऐसे, आपको कैमरे में तो पता नहीं समझ आ रहा है नहीं, बट ये देखो यहाँ की जो हड्डी होती है ना जो दिखती है वो नहीं दिख रही, क्योंकि सूजन की वजह से ना पैर फुला हुआ ना, तो ये सब हड्डियां जो है ना ढक गई है पूरी। इस सूजन के चक्कर में ना तो मैं चल भी नहीं पा रही अच्छे से, क्योंकि मैं जब चल रही हूँ ना तो बहुत ज्यादा थकान हो रहा है मेरे को। मैं चार कदम चल रही हूँ, मेरे को मन कर रहा है कि मैं बैठ जाऊं तो ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा थकान फील हो रही है। बट मेरे पास ना एक आइडिया है कि मैं जान सकती हूँ कि मेरे पास जो अभी सिम्टम्स है ना वो सच्ची में ओरिजिनल सिम्टम्स है या नहीं डिलीवरी के लिए, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मतलब ज्यादा सस्पेंस नहीं था ना मेरे पास कि लड़का होगा या लड़की होगा, बट सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा सस्पेंस है कि लड़की है लड़का है या ट्विन्स बेबी है, क्योंकि मेरे को डाउट हो रहा है कभी कभी, अपना पेट का साइज देख रही हूँ ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है ट्विन्स बेबी भी हो, लेकिन यार एक बार पता करते हैं यार। पहले मैं सिम्टम्स देखती हूँ कि डिलीवरी से पहले के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। दीदी के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, तो ये देख रही है फालतू फालतू चीजें मेरे फोन में, ये देखो वो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। गाइस देखो यार, अभी मैं देख रही हूँ गाइस, देखो ये संकेत बताते हैं कि डिलीवरी से 24 से 48 घंटे के होने में कौन कौन से साइन होते हैं, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर ऐसे कौन से साइन आते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप डिलीवरी कितनी जल्दी कर सकते हो, तो वही मैं देख रही हूँ। और मैं मैचिंग करूंगी कि कौन कौन से सिम्टम्स अभी जो है, जो अभी मेरे पास सिम्टम्स है ना वो सिम्टम्स इनसे मैच कर रहे हैं या नहीं। कितना बदमाश हो गया आजकल, देख तू सबको मारने लगा ये तो। अरे क्या है बदमाश, बैठ 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 बैठना भी नहीं है, बैठो बैठ, धोगी बैठो बैठो नीचे बैठो, छोड़ दे नहीं बैठे, चल भाग उधर, बहुत बदमाश कर, बदमाशी करता है बहुत। सो गाइस अभी देखो मैंने जो देखा ना, तू बैठ जा एक बार, बोलने नहीं दे रहा है, बोलने नहीं दे रहा है। अच्छा एक बार बताओ, बेबी गर्ल आएगी, हाँ ट्विन्स बेबी आएगा है, ट्विन्स बेबी आएगा, दो बेबी आएगा हाँ। ओरे तो गाइज अभी देखो मैंने सिम्टम्स देखे ना 24 आवर्स के अंदर जो डिलीवरी से पहले आते हैं सिम्टम्स, उनमें से चार सिम्टम्स तो मेरे मैच हो गए बिल्कुल, पीठ का रीढ़ का हड्डी दर्द हो रहा है ठीक है जो मेरे को अभी हो रहा है, उसके बाद पेट ना थोड़ा सा करक करक होता है, जो अभी मेरा पेट ना बहुत ज्यादा करक करक होता है, मेरे को एक जगह बैठने का मन नहीं होता ठीक है, वरना बहुत ज्यादा मिचमिचार है, मतलब कि इरिटेटिंग नहीं होता वो एकदम कि मन नहीं लग रहा है किसी को देख लूं तो मन करता नोच लूं, वैसा एकदम इरिटेटिंग सा लग रहा है मेरे को। ऐसा मन तो करेगा तेरा, जानवर जो जानवर नहीं वो सब ठीक है, चैन का अभी नामकरण पे दूंगी ना, अभी तो चैलेंज हार ही नहीं, अभी 12 बजने तो तब कौन सी चैन देगी, बोल बोल फटाफट से, देखो क्या पता लास्ट वाला लोग आप लोगों ने देखा नहीं देखा, मुझे नहीं पता ना, इतनी पतली पतली लड़कों के गले में मोटी मोटी चैन अच्छी लगती है तेरे को, क्यों फिर मैं अपने बेटे को दूंगी तेरे को, मैं दे दूंगा उसको, तू मेरे को दे, मैं तेरे को दूंगा, तू इनको ये बोल सकते पहले मुंह का कलर छुड़ा के आ जाओ, ये यार वो छूट ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं, ठीक है तेरे को पता मेरे पास सिम्टम्स क्या क्या है, क्या कमर की हड्डी दर्द हो रही है, मन मिच मिच कर रहा है, देख आज 12 बजे से पहले नहीं हुआ तो ये मेरे को चैन देगी, अदरवाइज मैं इसको तो मेरे सिम्टम्स तो सुन, तेरे को डर नहीं लग रहा कि मेरे को इतने सारे दर्द होंगे तो मैं झेलूंगी कैसे, डर तो लगता ही यार, डर लग रहा है कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए या दोनों चाहिए, ऐसे कोई डिमांड नहीं है, मैं तो कहता हूँ जो हो जाए बस एकदम अच्छे से हो जाए, एकदम सुरक्षित हो जाए बस, वो कुछ मैं लास्ट मोमेंट पे चाह रही हूँ मेरे को लड़का लड़की दोनों एक साथ हो जाए, तीन बच्चे, वाह कुछ भी हट, आज ही अपन चलते हैं, अपन चलते तीन बच्चे गाइस हो जाएंगे, हम दो हमारे तीन,
सही सुनने में भी अच्छा लग रहा है, पांच हो जाएंगे, पांच फैमिली मेंबर, फैमिली कंप्लीटेड एक साथ ही। तो गाइस मम्मा ने कहा है अभी मेरे को कि अभी तो आराम से सो जा एंड कल हम लोग चलेंगे हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि मम्मा को ना मतलब टेंशन हो रही है कि नाइन्थ मंथ कंप्लीट हो गया, दस मंथ स्टार्ट हो गया, बेबी नहीं हो रहा, कहीं मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है डिलीवरी में। तो एक बार मम्मा ने कहा कि चेकअप करवा लेंगे ना तो मन को संतुष्टि मिल जाएगा। तो ऐसे भी 16 तारीख एस्टिमेट डेट है एंड ज्यादा दिन बचा भी नहीं है, ओनली 5 रोज बचा है। तो मम्मा को इतना टेंशन देने से अच्छा है कि कल हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लो तो ज्यादा अच्छा है। एंड आज का व्लॉग बस इतना ही, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।